सुबह सुबह झंडा उठा के किसान यूनियन के नेताजी बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। तो भागते हुए नेताजी को देख के एक युवक ने उनको रोका, उनसे पूछा कि नेताजी कहाँ दौड़े जा रहे हो। नेताजी ने कहा धरना देने, तुम भी चलो। युवक ने पूछा क्यों? वे बोले कि अपने खेत नहीं बचाने हैं क्या? युवक बोला कि जरा ठहरो, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या है। नेताजी ने अपना लाल झंडा पेड़ से टिकाया, बैनर पोस्टर चेले को दिए और फिर बोले कि मोदी सरकार काले कृषि कानून ले आई है, किसान के खेत अंबानी अडानी को देने जा रही है, उसी को रद्द कराना है। जमीन बचानी है तो मेरे साथ हड़ताल पर चलो, खेती चली गई तो खाओगे क्या? अंबानी अडानी खेत ले जाएंगे। सुनते ही युवक का रक्त उबलने लगा, वह भी हड़ताल में जाने को तैयार हो गया। युवक ने कहा कि उन काले कृषि कानूनों को दिखाइए, मैं उसमें अभी आग लगा दूंगा। नेताजी बोले कि मेरे पास फोटोकॉपी तो नहीं है। युवक ने तत्काल गूगल सर्च करके कृषि कानूनों के बारे में निकाला और पढ़ना शुरू किया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं विश्व संवाद केंद्र। अब यहां से आगे की कहानी सुनते हैं। युवक ने कहा कि नेताजी आप तो कह रहे थे कि इस कानून से हमारे खेतों पर अंबानी अडानी का कब्जा हो जाएगा, लेकिन इसमें तो अंबानी अडानी का कहीं नाम नहीं लिखा है। नेताजी ने कहा कि नाम तो प्रतीकात्मक है, भोले भाले किसानों और आप जैसे नौजवानों को समझाने के लिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पढ़िए। युवक ने कहा कि इसी को तो पढ़ रहा हूँ, इसमें तो लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, खेतों का नहीं। खेत ना गिरवी रखा जाएगा और ना ही बंधक। इसमें तो यह भी लिखा है कि प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर भी किसानों को कोई क्षति नहीं होगी। नेताजी ने बात काटते हुए कहा कि अरे तुम नहीं समझोगे, अच्छा छोड़ो, इसे छोड़ो, ये देखो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करके किसानों को बर्बाद कर देगी। युवक ने तीनों कानून, कृषि उपज और व्यापार और वाणिज्य कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कराने एवं आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 को ध्यान से पढ़ा। ध्यान से पढ़ने के बाद उसने कहा कि इसमें तो कहीं भी MSP शब्द लिखा ही हुआ नहीं है और आप कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया। झूठ बोलकर भ्रम मत फैलाइए, जो लिखा है स्पष्ट उसी पर चर्चा कीजिए। इस बार नेताजी का चेला कामरेड बोला, कामरेड इन्हें बताओ कि सरकार प्राइवेट मंडी खोलकर MSP बंद करने जा रही है, जब मंडी ही नहीं होगी तो समर्थन मूल्य कहां से मिलेगा। युवक ने कहा कि छोटे कामरेड जी, इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर गड़मड़ मत कीजिए। प्राइवेट मंडी MSP का आपस में कोई संबंध नहीं है। सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अनुसार देश की लगभग 80 करोड़ गरीब जनता को सस्ता राशन, विद्यालयों में मिड डे मील, आंगनबाड़ी में पोषण आहार आदि बांटना होता है। इसके लिए सरकार हमेशा ही अनाज खरीदती रहेगी, अतः समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद बंद नहीं हो सकती। प्राइवेट मंडी के आने से कमीशन एजेंटों का अधिकार अवश्य समाप्त हो जाएगा। किसानों को फसल बेचने के दो विकल्प मिलेंगे। दलाल चाहें तो कृषि मंडी को उन्नत बनाने के लिए सरकार से बात करें, न कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कानून रद्द कराने की जिद। अब नेताजी थोड़े उत्तेजित हो गए, बोले कि अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं ना किसान बर्बाद हो जाएंगे। युवक ने कहा कि आपको पता है किसान अभी कितने समृद्ध हैं। प्रतिदिन लगभग 45 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? केवल पिछले 20 सालों का हिसाब लगाओ तो अब तक 3,46,548 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब इससे अधिक और क्या बर्बाद होंगे। पढ़े लिखे नवयुवक कृषि से दूर भागते हैं। वे 5-7 हजार की नौकरी कर लेते हैं पर खेती नहीं करना चाहते। इसमें छोटे किसान को न धन मिलता है न सम्मान। अपना ही अनाज के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन में 4-5 दिन तक खड़े रहो या मंडी के बाहर डेरा लगा के बैठ जाओ, तब जाकर कहीं फसल बिकता है। दलालों के हाथ जोड़ो, कमीशन दो, 2-4-5 महीने बाद बैंक में पैसा आएगा। क्या इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कृषि व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? नेताजी थोड़ा सोचते हुए बोले कि देखो, हम सुधार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें मोदी पर भरोसा नहीं है। देखो पंजाब और हरियाणा के किसान भी इसे रद्द कराने के लिए लगे हुए हैं। युवक ने कहा कि आपको मोदी पर भरोसा नहीं है तो यह आपकी समस्या है। आप लेनिनवादी हैं और मोदी जी राष्ट्रवादी, अर्थात आप विचारधारा के लिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं।
रहा प्रश्न पंजाब और हरियाणा के किसानों का, तो सुनिए, हरित क्रांति के लिए इन्हीं किसानों को चुना गया था। इन्हें सरकार ने प्रोत्साहन दिया, इन्होंने भी अथक श्रम किया। आज ये लोग बहुत संपन्न और अमीर हो चुके हैं। यह लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, नए सुधार और परिवर्तन से आशंकित हैं, क्योंकि भारत सरकार जिस गेहूं चावल को खरीद करती है, ये दोनों राज्य उसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। जिन 6% किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है, उनमें भी सबसे बड़े लाभार्थी यही लोग हैं। इन्हें पट्टी पढ़ाई गई है कि प्राइवेट मंडी के आने से सरकारी खरीद और MSP समाप्त हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, आप भी उन्हें जाकर बता देना। अब नेताजी के पास कहने को कुछ बता नहीं था, तो अपना लाल झंडा उठाते हुए खिसकने लगे। जाते जाते बोल पड़े, तो क्या इनमें संशोधन की भी जरूरत नहीं है? युवक ने कहा कि संशोधन की आवश्यकता है, रद्द करने की नहीं। कोई भी कानून आदर्श नहीं होता, उसमें सुधार की संभावना सदैव बनी रहती है। इसमें भी कुछ सुधार होने चाहिए, जैसे किसान को विवाद की स्थिति में न्यायालय में जाने का अधिकार मिले, फसल खरीदने वाले के पंजीयन की व्यवस्था हो, आदि सुधारों के साथ इस कानून को स्वीकार किया जाना चाहिए। विरोध करने वाले किसानों को हाँ और ना की जिद छोड़ के संशोधन पर चर्चा करनी चाहिए। युवक बोले जा रहा था, किंतु कामरेड जी तो दौड़ चुके थे और नए भोले भाले किसानों और नए युवकों की तलाश में। इस लेख को लिखा है डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय ने। ऐसे कई कामरेड हमारे और आपके भी आसपास गोल चक्कर लगा रहे हैं, भोले भाले किसान और नवयुवकों की तलाश में। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भोले भाले किसान और नवयुवक इन कामरेड गिद्धों के जाल में ना फंसें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।